नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जो हमने मुहिम छेड़ रखी है कि कुछ ही दिनों में संपूर्ण पाठ्यक्रम करने के लिए, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से हम उस मुहिम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले कुछ वीडियो डाले वैदिक गणित के, और वो जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं साथ में इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं उनके लिए सार्थक साबित होंगे। आप उन वीडियो के माध्यम से पाठ्य पुस्तक के उदाहरण सहित निकालिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो सार्थक साबित हो। साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक अपील है, इस वीडियो को अपने पास ही सीमित मत रखिए, आप अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन विद्यार्थियों का भी फायदा हो जो इस समय कोरोना महामारी से ऑफलाइन क्लासें नहीं ले पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से चालू रख सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले बात की थी उनके बाद जो वैदिक गणित के बारे में, आज हम बात करते हैं आपकी परमेय से संबंधित। मैंने थैलेस परमेय पढ़ा दी है, चार परमेय मैंने डाल दिए, पाँचवीं परमेय डाल रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि YouTube पर आपको परमेय बहुत ही मुश्किल से मिलेंगी। YouTube पर परमेय पढ़ाना, परमेय वाला पोर्शन पढ़ाना काफ़ी लंबा पड़ता है। मेरा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक वीडियो शूट कर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम करा के दूँ। इसी श्रृंखला को देखते हुए मैंने आज एक साथ पाँच वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं थैलेस परमेय का विलोम। थैलेस परमेय का विलोम पर ध्यान दीजिए। थैलेस परमेय का विलोम क्या कहता है? आपके 11.2 परमेय है ये। थैलेस परमेय का विलोम ये कहता है, किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए जो अन्य दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लो इसको डी पर प्रतिच्छेद करता है, इस पर क्या करता है? ई पर प्रतिच्छेद करता है। ये त्रिभुज ए बी सी, साथ ही किस प्रकार प्रतिच्छेद करता है? कि ए डी बटे बी डी बराबर है ए ही बटे ई सी, ए डी बटे बी डी बराबर है ए ही बटे ई सी, इस प्रकार ये प्रतिच्छेद करता है। तो ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, यानी सिद्ध करके दिखाना है ये रेखा इसके समांतर बतानी है। तो परमेय में पहले बताया मैंने, परमेय में चार टॉपिक चलते हैं, उन्हीं टॉपिकों के अनुसार हम करेंगे। पहला टॉपिक होता है दिया है। पहला टॉपिक हमारा क्या होता है? दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, परमेय मैं इस रूप में करा रहा हूँ ताकि आप कोई दो या तीन परमेय देखोगे आप इजी लगेंगे आपको। देखिए विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं हम। दिया है क्या क्या है इसमें? देखिए मैंने काम क्या क्या दे रखा है कि ए बी से एक त्रिभुज है, ए बी से क्या है? त्रिभुज है। रटने की आवश्यकता नहीं, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये परमेय वाला पोर्शन है, जितना आप परमेय को समझोगे उतने ईजी आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं इसके बाद 11वीं के प्रश्न ही कराऊंगा और आप देखोगे प्रश्न काफ़ी ईजी होंगे आपके लिए। तो परमेय ध्यान से देखिए, जिन विद्यार्थियों ने परमेय नहीं देखी है उन परमेय सारी चारों परमेय देखिए, पाँचवीं परमेय, ये पूरी परमेय, और परमेय को हर तीसरे चौथे दिन से रिपीट कीजिए। आपकी वीडियो जब फ्री होते हो, जब भी टाइम मिले आराम से एक बार देख लीजिए। पेन कॉपी के साथ नहीं बैठते हो तो वैसे देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना, दिया है ए बी सी क्या है? त्रिभुज है। क्या दे रखा है आपके पास? ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें इसे एल नाम दे सकते हो, ये एल रेखा है, जिसमें एल रेखा रेखा ए बी व ए सी को डी व ई पर प्रतिच्छेद करता है, ए पर प्रतिच्छेद करता है। वो क्या है? तथा क्या है कि इस दूरी में इसका भाग, तथा ए डी बटे बी डी, ये थैलेस परमेय है, ए डी बटे बी डी बराबर है ए ई बटे ई सी। जिन विद्यार्थियों ने थैलेस परमेय नहीं देखे पहले थैलेस परमेय देखिए, उसका विलोम तभी समझ में आएगा। अच्छा, ये ए डी बटे बी डी बराबर है ए ई बटे ई सी, ये वह दिया है। अगला टॉपिक होता है सिद्ध करना। दूसरा टॉपिक विद्यार्थियों क्या होता है? सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करवा रहा है आपसे, ये सिद्ध करवा रहा है कि बी सी
समांतर बीसी समांतर डी ई, बीसी समांतर डी ई, ये रेखा इसके समांतर, इसके क्या है समांतर सिद्ध करना है। अब इसके बाद रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये विद्यार्थी हूँ, कई बार दो त्रिभुज नहीं होते तो रचना करनी पड़ेगी, इसमें त्रिभुज की रचना नहीं करेंगे। अब देखो ये रेखा इसके समांतर नहीं है, हमें पता नहीं है, तो मैंने क्या काम किया, इसके समांतर एक रेखा खींची, इसके समांतर एक रेखा खींची, कौन सी खींची, डी एफ खींची, क्या खींची, डी एफ। तो मैंने एक काम किया रचना में, रचना में एक काम किया, क्या किया रचना में, कि बी सी समांतर डी एफ खींचा, ये रचना होगी, ये हमारी क्या होगी रचना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, अब इसके बाद अगला टॉपिक होता है उत्पत्ति। क्या होता है उत्पत्ति, होता है ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी पर डिपेंड होती है पूरी फर्म में, और ये पूछता है एग्जाम में, ये हमें करके दिखाना ही पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों आगे बात करता हूँ मैं उत्पत्ति। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों एक बात देखी हमने कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या देखा आपने कि बी सी समांतर, बी सी समांतर डी ई, बी सी समांतर सॉरी डी एफ, बी सी समांतर क्या है डी एफ है, ये रेखा, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसकी क्या है समांतर है। फिर विद्यार्थी ध्यान से देखना, ये रेखा इसकी क्या है समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो क्या विशेषता हुई, ये इसके समांतर है तो थैलस प्रमेय लागू होती है, कौन सी प्रमेय लागू होती है, थैलस प्रमेय, थैलस प्रमेय ये कहती है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, तो वह समान अनुपात में क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इस दूरी में इसका भार, इस दूरी में इसका भार क्या होता है आपस में बराबर, तो ये थैलस प्रमेय लागू होती है, इसमें कौन सी प्रमेय होती है थैलस प्रमेय लागू होती है, तो लिखेंगे थैलस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, थैलस प्रमेय से, थैलस प्रमेय क्या कहती है आपको, थैलस प्रमेय कहती है, थैलस प्रमेय कहती है इसके समांतर है, इसके क्या है ये समांतर है, तो इस दूरी में इसका भार, इस दूरी में इसका भार क्या होगा आपस में बराबर, तो क्या होगा ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर होगा किसके, ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी, इसे कहते हैं समीकरण एक, यानी ये रेखा इसके समांतर है तो इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग आपस में बराबर है। देखो डी एफ है, डी समांतर नहीं है, अभी डी एफ समांतर की खींचा हमने, रचना की थी, ये इसके समांतर है, ये समांतर है तो इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में ए एफ में एफ सी का भाग आपस में क्या होगा बराबर होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, आपको दे रखा है, किताब वाले ने शुरू में दे दिया, दिया है क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर है ए ई बटे ई सी, ए बटे ई सी, इसे कह दिया समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो को ध्यान से देखिए, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, एक व दो को आपने देखा है तो ध्यान से देखो, तो क्या हुआ देखो ध्यान से, प्रिय विद्यार्थियों ये कह रहा है ए डी बटे बी डी, ये भी कह रहा है ए डी बटे बी डी, अर्थात ये और ये दोनों आपस में क्या है बराबर, यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए ई, ये लिख दीजिए पहले ए ई बटे ई सी बराबर है आपके पास ए एफ बटे एफ सी, एफ सी ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, अर्थात देखो आपके पास क्या हुआ कि ए ई बटे ई सी बराबर है ए एफ बटे एफ सी। अब विद्यार्थियों आगे हल करता हूँ, मैं देखना इसे आगे हल करते हो, अब फिर विद्यार्थियों एक काम करता हूँ मैं, दोनों पक्षों में, दोनों तरफ एक जोड़ते, क्या जोड़ते हैं एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, एक जोड़ने से क्या होगा देखना एक बार, इधर जोड़ता हूँ एक तो क्या हुआ ए ई बटे ई सी प्लस जोड़ा एक बराबर की जगह बराबर, यह है आपके पास ए एफ बटे एफ सी प्लस एक जोड़ दिया, एक जोड़ने के बाद क्या लेते हैं इसके नीचे एक मान के लेते हैं लघुतम, क्या लेते हैं लघुतम लेते हैं, तो प्रिय विद्यार्थी हम लघुतम लेते हैं, देखना लघुतम लिया तो लघुतम क्या है ई सी, क्या है लघुतम ई सी, इसी का भाग दिया एक बार इससे गुणा किया तो क्या हुआ ए ई प्लस एक का भाग दिया इसी बार इसी को इससे गुणा किया एक से तो क्या हुआ ई सी बराबर की जगह बराबर, इसमें भी लघुतम लेते हैं एफ सी, क्या गया एफ सी तो यह हो गया ए एफ प्लस इसका भाग दिया तो क्या हुआ एफ सी, क्या हुआ एफ सी, क्योंकि एक का भाग एफ सी में दिया तो क्या हुआ एफ सी। अब फिर विद्यार्थियों आके देखते हम, आप ध्यान दीजिए ए ई प्लस ई सी यानी दोनों पूरी दूरी में लगकर क्या हुई ए वी होगी,
ये कौन सी होगी ए सी होगी, सॉरी कौन सी हुई ए सी, और ये कौन सी है ई सी, बराबर की जगह है बराबर, ये दूरी कौन सी हुई ए सी। देखो प्रिय विद्यार्थी एफ, इसमें भी एफ हटा दिया तो क्या बच गया ए सी, ई आ भी ई आ भी तो हटा दिया तो क्या बच गया ए सी, बट्टे की जगह है बट्टे, एफ सी की जगह है एफ सी। अब देखो यहाँ दोनों समान आपस में एक कट गई, ये कितना हुआ एक, ये भी कितना है एक। अब क्या करते हैं वज्री गुणा, वज्र गुणा के तो क्या हुआ आपके पास कि एफ सी बराबर है ई सी, एफ सी और ई सी क्या आपस में बराबर है। प्रिय विद्यार्थी यहाँ से देखा आपने कि एफ सी एफ सी और ई सी आपस में बराबर, यानी देखो ये सी से लेकर एफ तक की दूरी और सी से लेकर ई तक की दूरी ये आपस में क्या है बराबर है। देखो मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों यहाँ से कह रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ से, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेकर ये दूरी मान लीजिए पाँच है, ठीक है। मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर ई तक की दूरी भी पाँच ही है, ये भी कितनी है पाँच ही। अब ये दूरी पाँच पाँच कब हो सकती है, जब ये दोनों बिंदु एक ही जगह, दोनों बिंदु क्या हो एक ही जगह। मैं कहता हूँ जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ से ये दीवार है सामने, यहाँ से ये दीवार की दूरी पाँच मीटर है, मैं कहता हूँ यहाँ से फिर ये दूरी दीवार की दूरी पाँच मीटर है, तो कब हो सकता है ये काम, जब मैं एक ही जगह स्टैंड पर खड़ा हूँ, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या हो सकती है समान हो सकती है, अर्थात ये देखो आप दोनों, ये दोनों बिंदु समपाती होगी, दोनों बिंदु क्या होगी समपाती होगी, अर्थात यहाँ लिख सकते यह है तभी संभव है, यह तभी संभव है जब, यह तब कब संभव है जब ई व एफ बिंदु आपस में समपाती है, आपस में संपाती है, यानी दोनों एक ही हैं, दोनों क्या है एक है, तो ये दोनों एक ही हुई तो ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके क्या है समांतर है, तो ये वो भी रेखा इसमें क्या होगी समांतर होगी, अर्थात तो क्या आपने देखा ये संपाती है, संपाती हुआ तो क्या हुआ कि दोनों रेखाएं एक है, दोनों रेखाएं क्या है एक ही है, तो एक ही हुआ तो क्या हुआ आपके पास यहाँ से देख रहे प्रिय विद्यार्थियों ये दोनों रेखाएं क्या है एक ही है, दोनों रेखाएं क्या है एक ही है, अर्थात क्या हुआ फिर दोनों रेखाएं यानी दोनों बिंदु आपस में संपाती हैं, तो डी ई व डी एफ, डी ई व डी एफ भी संपाती है, ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या है संपाती है, दोनों रेखाएं संपाती हुई तो क्या हुआ आपने देखो रचना में हमने किया था कि आपने ये किया था कि ए बी क्या किया था सॉरी बी सी, बी सी समांतर है डी एफ के, डी एफ के ये किसमें किया था आपने रचना में किया था। अब रचना में किया था कि डी देखो ये दोनों संपाती यानी डी एफ संपाती है किस पर डी ई यानी डी एफ और डी ए की है, डी एफ और डी ए के दोनों एक ही है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो क्या होगा आपके पास कि बी सी समांतर है डी ई, बी सी समांतर है डी ई इति सिद्धम, अर्थात ये देखा हमने क्या देखा प्रिय विद्यार्थियों, ये देखा पहली बात ये देखी यहाँ से कि ये दोनों बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु एक ही जगह है, दोनों क्या है एक ही जगह है, अलग अलग जगह नहीं है। अब दोनों एक ही जगह है तो ये दोनों रेखाएं एक ही है, दोनों रेखाएं क्या है हमारी एक ही है, यानी ये जस्ट इसके ऊपर ही है। अब प्रिय विद्यार्थियों हमने रचना में क्या था ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके क्या है समांतर है, तो ये भी किसके क्या होगी समांतर, और ये हमारी क्या होगी प्रमेय सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने एक और प्रमेय की, आगे एक लास्ट प्रमेय है वो मैं कल डालूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।